हमारे एग्जाम में इसमें से भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, बिल्कुल थियोरिटिकल क्वेश्चन है। हालांकि 11th क्लास में सिर्फ और सिर्फ बताया जाता था, AS9 नहीं बता के वो ना किसी और तरीके से आपको पढ़ा दिया जाता था कि रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अजम्पशन में पढ़ा दिया जाता था। यहाँ पे उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है, तो ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल नया चैप्टर है, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। सिंपल से कुछ एक इनके पॉइंट्स होते हैं जिसको ध्यान रखना है। यानी AS9 बोलता है आपका रेवेन्यू के बारे में, रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन पहले समझ लेते हैं, बहुत सिंपल सा फंडा है, और एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन आपकी किताब में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। सबसे पहले तो भैया आपको समझना पड़ेगा, AS9 को भूल जाते हैं क्या, AS9 दिमाग से निकाल दो। सबसे पहले रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। हमारे दो चीजें होती है, एक होता है हमारा रेवेन्यू, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है इनकम। दोनों में फर्क है। रेवेन्यू और इनकम दोनों में फर्क है। सर दोनों में क्या फर्क है रेवेन्यू इनकम में, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो मैं एक वेजिटेबल सेलर हूँ, वेजिटेबल सेलर हूँ, तो मैं ना हमेशा क्या करता हूँ, 10 रुपये केजी के हिसाब से, 10 रुपये केजी के हिसाब से मैं सामान खरीद के लाता हूँ। मान लेते हैं आलू खरीद के लाता हूँ मैं, और मेरा ये प्रोफेशन, मेरा बिजनेस है, और 12 रुपये में बेच देता हूँ, तो हेयर 2 रुपये मेरी कमाई हो गई, 2 रुपये की मेरी क्या हो गई, इनकम जनरेट हो गया। और मेरे साथ ये एक दिन का नहीं है, ये मैं डेली यही काम करूँगा, इसी से ही मेरा घर का खर्चा चलेगा, यही मेरा बिजनेस ही है। लेकिन मैं जब कभी भी पैसे हो जाते हैं मेरे पास एक्स्ट्रा, तो मैं उसे बैंक में जमा करा देता हूँ। जैसे एक्स्ट्रा हो गया ना, जैसे आप महीने में आप 50,000 कमा रहे हो, तो आप क्या करोगे, बाकी का जितना खर्चा हुआ खर्चा, बाकी कहाँ जमा करा दोगे आप, बैंक में। तो बैंक वाला भी अचानक से इंटरेस्ट दे देता है आपको, अचानक से मतलब हर 6 महीने 3 महीने अलग अलग बैंक का क्राइटेरिया आपको ब्याज मिलता है, भले ही 5 रुपये मिल रहा हो, ब्याज तो मिल रहा है। सवाल ये है कि सर रेवेन्यू और इनकम में क्या फर्क है। इनकम वो होता है जो कि आपका, जैसे कि ये बैंक से जो ब्याज मिल रहा है ना, ये इनकम है, और जो आप ये आलू बेच के या सामान बेच के जो पैसा कमा रहे हैं ना दुकानदार, तो उसे बोलते हैं रेवेन्यू। पहले दोनों में फर्क समझ लो आप, रेवेन्यू और इनकम बोथ आर डिफरेंट, क्योंकि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन थियोरिटिकल बनेगा या केस स्टडी टाइप का बनेगा, और आपसे यही पूछा जाएगा एक सवाल अंत में कि बताइए हमारी रेवेन्यू कितनी रिकॉग्नाइज होगी, मतलब कितने इनकम को। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि 2 रुपये यहाँ से कमाया, 5 रुपये यहाँ से ब्याज आए, तो आपको बताना है कि मैं रेवेन्यू में कितना लिखूं। तो सिंपल सी बात है, आप सोचो कि रेवेन्यू का मतलब इनकम नहीं है, तो रेवेन्यू में कितना लिखे, तो बड़ी सीधी सी बात है कि रेवेन्यू में जो रिकॉर्ड करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये करेंगे। पहले तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं। रेवेन्यू का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो हमारे पास पैसा आ रहा है वो सारा का सारा रेवेन्यू का पार्ट माना जाएगा, मतलब जो बिजनेस के एक्टिविटी से जो हमारा काम हो रहा है उसे रेवेन्यू का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, उसको किसका पार्ट माना जाएगा सर, रेवेन्यू का पार्ट माना जाएगा। तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकता है, घुमा फिरा के मतलब जैसे मैंने ये दे दिया इस तरीके से। तो सर रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो हमेशा या तो आप गुड्स को सोल्ड करोगे तब होगा। अब जब मैंने गुड्स लिख दिया तो आप बात ही समझ जाओ कि आपके बिजनेस से रिलेटेड ही होगा, जैसे ही गुड्स शब्द आ गया। या फिर दूसरा, आप सर्विस को प्रोवाइड करोगे तब होगा। ऐसा नहीं कि आपको सामान ही बेचना है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं आपसे फी चार्ज कर रहा हूं, तो मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, तो मैं रेवेन्यू ये भी होगा। तीसरा पार्ट, गुड्स को भी बेच दिया, सर्विस को भी हो गया। तीसरा पार्ट जिसका डिविडेंड रिसीव करते हैं या रॉयल्टी या फिर इंटरेस्ट,
जिनका ये रिसीव करना ही काम है। जैसे कुछ फाइनेंशियल कंपनी है, जैसे बैंक की इनकम की बात करूं तो बैंक का इनकम क्या होता है? ब्याज। तो उनके लिए वो तो बिजनेस का ही पार्ट हो गया ना, तो उनके लिए ब्याज जो है वो रेवेन्यू का पार्ट माना जाएगा। समझ रहे हो बात को? किसी का ऐसा है कि भाई वो शेयर मार्केट में पैसे ही लगाता है और वहीं से पैसा कमाता है डिविडेंड के रूप में, तो उसके लिए भी वो रेवेन्यू है। अगर मान लो दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का व्यापार पेशा ही क्या है कि वो शेयर मार्केट में पैसा लगा के डिविडेंड से अपना सब कुछ करता है, वो रेगुलर काम है, और मैं कभी कभी शेयर मार्केट में पैसे लगा के डिविडेंड लेता हूँ, तो जो डिविडेंड है मेरे लिए तो वो इनकम है। लेकिन वो दूसरे साइड का जो मेरे साथ का जो है दूसरा, उसका डे टू डे है, उसके लिए डिविडेंड इनकम नहीं है, उसके लिए डिविडेंड क्या है? रेवेन्यू। तो ये तीन बातें बोली गई कि अगर यहां से पैसा आएगा ना तो उसको हम रेवेन्यू का पार्ट मानेंगे, यहां से पैसा आएगा। तो सर कुछ ऐसे भी जगह है जहां से पैसा मिलेगा तो रेवेन्यू का पार्ट नहीं होगा? बिल्कुल हाँ, कुछ हमारे जो अकाउंट्स के रूल है ना, जिसे हम AS बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो ना हर किसी स्पेशल इनकम अगर लगता है ना तो उसके लिए स्पेसिफिक रूल बनाया गया है। जैसे मान लो आपका कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, बिल्डर वगैरह, वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो भी सामान बेचते हैं अपना, सीमेंट वगैरह तो बेच रहे हैं, तो बोला गया जो कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट के अंदर होगा, क्योंकि उनके लिए हमने अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 बनाया हुआ है, तो उसको हम इस रेवेन्यू रिकॉग्निशन का पार्ट नहीं मानेंगे। सबसे पहले और क्या पता होना चाहिए कि वो इनकम तो होगा, बट डू नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड, मतलब नॉट इंक्लूड। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड नहीं होगा? एक तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बनाया गया है, तो बोला गया भैया जब इसको इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तो इससे होने वाले इनकम को यहां पे नहीं लेना। समझ रहे हो बात? क्योंकि जिसके लिए एक अलग से चीजें बन गई उसको वहीं पे रखो भाई, उसको यहां मतलब, क्योंकि अगर मैं बिल्डर हूं तो मैं पैसे, अगर मैंने 5 लाख रुपए का सामान लगाया और 10 लाख रुपए मैंने आपसे लिए, तो 5 लाख की जो मेरी कमाई है तो रेवेन्यू। लेकिन AS 9 कहता है भैया इसको मेरे अंदर मत जोड़िए, क्योंकि इसे अलग से रखिए। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, एक बिल्डर है उसने ऐसे किया, क्या ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन का पार्ट माना जाएगा? तो आंसर इज नो, क्योंकि इसके लिए अलग से सेपरेटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे। अकाउंटिंग भैया देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिंपल सी बात है कि हर चीजों के लिए एक कानून बनाया गया है, जिस कानून में जिस बातों को लिखा गया वो उसी के हिसाब से चलाना है, बात खत्म। जैसे मान लेते हैं कि ट्रैफिक रूल है, तो भैया ट्रैफिक रूल का वहां पे लगेगा सारा का सारा, ट्रैफिक रूल के जो कानून होंगे उसके हिसाब से फाइन देना होगा आपको। क्राइम के अलग कानून बने हुए, तो आपको क्राइम में क्राइम के हिसाब से मिलेगा, ऐसा थोड़ी है क्राइम करोगे और ट्रैफिक रूल के हिसाब से आपको सजा सुना दी जाएगी, वो तो नहीं होगा ना। ऐसे यहाँ पे भैया इसके लिए कानून AS 7 में बनाया तो इसके हिसाब से लेके चलना, और इसमें 9 में ये बनाया गया। सर दूसरा, कई बार ना हमारा गवर्नमेंट से ना ग्रांट मिलता है, सब्सिडी जिसे बोलते हैं, NPO में पढ़ा था ना, सब्सिडी रिसीव कर रहे हो, जिसे हम सब्सिडी बोलते हैं, सब्सिडी जैसे रिसीव करते हो, या फिर गवर्नमेंट से हमें सब्सक्रिप्शन वगैरह मिलते हैं, तो इस ग्रांट के लिए भी अलग से एक कानून बनाया गया है, AS 19। तो जिसको बोलते हैं हम गवर्नमेंट ग्रांट, अगर यहां से है तो इसके लिए जब AS 19 बनाया गया है तो भैया इसको इसमें लिखेंगे क्या? हम नहीं लिखेंगे। यानी सरकार ने कुछ डोनेशन दे दिया, सरकार ने चंदा दे दिया, सरकार बोलता है तुम ये काम करो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो भैया ये इनकम तो है लेकिन इसके अंदर कवर्ड नहीं होगा। समझ रहे हो बात को आप? एक तो ये बोला गया इसको कवर्ड मत करना। अब इसके साथ साथ अगर आपने कोई भी अदर, जैसे कि आपने अदर पार्ट का, मैं मान लूं कोई भी अदर इनकम हो, मैं इनकम शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं यहां, उसको भी रेवेन्यू का पार्ट नहीं माना जाएगा। जैसे मैं सिंपल सी बात करूं, स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक को हम जो रिकॉर्ड करते हैं ना बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये AS 2 बताता है कौन से वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू
और बुक वैल्यू विच एवर इज लोअर, यही सीखा है। मान लेते हैं यहां 10 का है और यहां 12 का, तो आप कितने का लिखोगे? और सेम स्टॉक बिका है नहीं, अगले साल अगर हम चले जाएं, और अगले साल जाने का मतलब ये 10 रुपए का मार्केट वैल्यू जो है वो मान लेते हैं 12 रुपए का है, और इसका कॉस्ट जो है वो मान लेते हैं 11 रुपए का है। तो अब कितने पे रिकॉर्ड करोगे? इसी स्टॉक को पिछली बार आपने 10 का रिकॉर्ड किया, 11, 1 रुपए। मैं स्टॉक का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, वैसे इन्वेस्टमेंट में होता है ऐसा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। तो अगर इस तरीके से कुछ वैल्यूएशन की वजह से मेरे स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है या मेरे किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है, मान लेते हैं मैंने एक बिल्डिंग खरीदा 5 लाख रुपए का, 5 लाख का बिल्डिंग था, अब मैंने बोला भैया ऐसे मार्केट वैल्यू पे दिखा देते हैं जो कि हो गया अब 7 लाख, तो 2 लाख का फायदा हुआ, दैट इज नॉट रेवेन्यू, वो क्या माना जाएगा आपका? इनकम, जो कि मैंने पहले ही एग्जाम्पल में आपको क्लियर कर दिया कि उसको क्या मान लेंगे हम, इनकम। तो अदर इनकम जैसे ब्याज का पैसा हो गया एंड एक्सेट्रा करिकुलम से पैसा होगा तो उसको नहीं माना जाएगा। समझ में आए? तो पहली बात कि किसको हमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन यानी रेवेन्यू का पार्ट मानना है और किसको नहीं मानना है, ये क्लियर करना है। उसके बाद अब दूसरा मुद्दा आएगा, सर रेवेन्यू हम कब बुक्स में लिखेंगे, यानी दूसरा पॉइंट पूछा जाता है कि व्हेन विल बी रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब सर लिखोगे, कब आप लिखोगे, है ना? लिखने का मतलब क्या है? जिस दिन आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दोगे। और रेवेन्यू बेसिकली क्या होगा? खर्चा, इनकम माइनस में खर्चा। जैसे 10 रुपए का आलू 12 रुपए में बेच दिया, तो 12 में से 10 माइनस कर दिया, 2 रुपए का रेवेन्यू, यही होता है। कब आप लिखोगे उसे? तो बोला गया कि आपको रिकॉर्ड तभी करना है जब आप ना ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर कर दो ऑनरशिप, तब उसे आप सेल्स मान लेना, तब उसे बेसिकली मैंने जो बताया तब उसे क्या मानना, रेवेन्यू मान लेना उसको। और बेसिकली मैं रेवेन्यू को थोड़ा अच्छे से और समझू ना, तो कम बिजनेस का वो सेल्स माना जाएगा। बिजनेस का क्या माना जाएगा सर? सेल्स माना जाएगा जब हम ऑनरशिप ट्रांसफर कर दें। जैसे मान लो मैं बुक सेलर हूं और ये आपकी किताब है, तो मैं आपसे पैसे तो ले लूं लेकिन मैं आपको बुक दूं ही ना, तो मेरी सेल्स नहीं है। ये मुझे पैसे देने के साथ इसका मालिकाना हक आपको देना पड़ेगा। अब आप इस किताब को फाड़ दो, बेच दो, जो मर्जी करो, पैसे ले लिए मैंने, नहीं है ऐसा नहीं है। अब जैसे मैंने आपको ये किताब दे दिया और पैसे दे दिया, रेंट पे किताब दिया है, ऑनरशिप आपको मिला गया इसका? नहीं मिला। आप इसमें से लिख रहे हो, मैंने बोला भाई तो आपने मुझे पैसे दिए, आप इसके ऊपर कुछ अपने नोट्स लिख रहे हो, बोला भाई नोट्स नहीं लिखना है इसके ऊपर, इसका मतलब आपको इस किताब की ओनरशिप, ओनरशिप का तो मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि आपकी हो गई वो, आप जैसे मर्जी उसका इस्तेमाल करें, वो आपका हो गया, आप जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। समझ में आई बात आपको? तो सर यहाँ पे आपको ऑनरशिप ट्रांसफर करना है। अब यहाँ बड़ा लोचा ये है, बड़ा कंफ्यूजन ये है कि भैया ऑनरशिप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में होते हैं। कुछ सामान तो ऐसे बेचा जाता है कि भाई मैं सामान भिजवा देता हूँ, लगवा देता हूँ, हमारी कंपनी, हम तुम्हारे साथ इतना कर रहे हैं कि 2 दिन चलाने के बाद नहीं आए फिर भी मैं ले लूंगा वापस, होता है ऐसा? तो मैंने तो ऑनरशिप दे दिया, अब 2 दिन बाद आप बोल रहे हो नहीं लूंगा तो सेल्स कैंसिल हो जाएगा। ये तो कुछ ऐसा होता है, मैं आपसे एक पैकेज ले रहा हूँ और पैकेज फीस की मैं ले रहा हूँ, मान लेते हैं कि मैं 2500 रुपये चार्ज कर रहा हूँ और ये 6 महीने की फीस है सपोज करो, और अभी चल रहा है हमारा मार्च, तो हमारा मार्च में 6 महीने की फीस ले ली, तो बाकी के 5 महीने तो अगले साल चले गए, तो हमें सिर्फ मार्च मार्च का ही सेल इसमें कंसिडर करना है, ना कि मैं पूरा, अगर मार्च में पैसे मैंने रिसीव कर लिए 2500, तो इस महीने की सेल मेरी 2500 थोड़ी मानी जाएगी। मुझे उस 2500 को पहले 6 से डिवाइड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इस फाइनेंशियल ईयर में कितने महीने आ रहे हैं, उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। समझ में आई बात? कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा होता है जो अप्रूवल या डिस्प्यूटेबल बेसिस पे होती है,
कि भैया इनकम होगा या नहीं होगा, इस तरीके से। अप्रूवल का मतलब मैंने गुड्स दे दिया एज अ अप्रूवल बेसिस पे कि आपको पसंद आए तो रखना, अदरवाइज मुझे दे देना। तो वो भी क्या चला जाता है, उसमें भी देखना पड़ेगा कि आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड कब करना है। एक तो बड़ी सिंपल सी बात है भैया, सामान दिया, पैसा लिया, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया, एक सिंपल सी है। लेकिन कुछ कंडीशन सिंपल नहीं होता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैंने सामान आपको किस्तों पे बेच दिया, किस्त पे बेचा, तो किस्त में तो आपको ऑनरशिप तो नहीं मिल रही। ऑनरशिप चलो मान लो दे भी रहे हैं हम आपको, मान लो आपको किस्ती देना आप बंद कर दो मुझे, और मैं बैठ गया मेरी इनकम इतनी होगी, तो वो गलत हो जाएगा ना इनकम। तो AS 9 यही समझाता है कि भैया आपको सेल्स या इनकम बड़ी सावधानी से रिकॉर्ड करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख लिया और बाद में फिर आपको ऐसी दिक्कत आ जाएगी, उसे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये AS सिर्फ आपको बेसिकली अपने रेवेन्यू को लिखने, यानी सर सेल्स की बात करते हैं, सेल्स को लिखने का तरीका बताता है, कब लिखना चाहिए कब नहीं लिखना चाहिए। इस AS में एक बड़ी अच्छी बात बोली गई है कि आप ऑनरशिप ट्रांसफर, देखो आप सेल्स और इनकम तभी, रेवेन्यू तभी मान लेना जब ऑनरशिप चला जाए। आप पैसे को मत देखना, आप ये सोचोगे कि पैसा आएगा तो हम लिखेंगे, ऐसा नहीं होता। उधार भी तो दिया जाता है, यानी आप वेदर सेल्स उधार कर रहे हो नगद कर रहे हो, यानी आपने सामान दे दिया, पैसा आपको मिले चाहे नहीं मिले आपको लिख लेना है। लेकिन जिस टाइम आपने सामान उसको दिया, जिस टाइम आपने उसको मालिकाना हक दे दिया, उसी टाइम अपनी सेल्स मान लो। पैसे भले ही अगले साल दे, उससे मतलब नहीं है। अगले साल देगा तो हम डेटर बना के काम करेंगे, ठीक है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, बेसिक बेसिक आपको कॉन्सेप्ट पता चला होगा। बेसिकली इस रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन और AS 90 बनाने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, इसमें से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बताइए, एक सिचुएशन दे देगा, अभी देखेंगे हम कि इसमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कितने रुपए का होगा। 4-5 अमाउंट देके कर देंगे। जैसे मैंने बोल दिया हमारा ऑर्डिनरी गुड्स से 5 लाख रुपए आया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से 2 लाख रुपए आया, इसके बाद एक इंस्टॉलमेंट पे बेचा 3 लाख आया, तो उसमें से चुन के आपको टोटल करके बताना होगा कि इस साल में इतना अमाउंट रेवेन्यू में लेना पड़ेगा। एक तो ये सवाल बन जाता है 7 से, मतलब 5 से 7 नंबर जो भी मानो, और एक थ्योरेटिकल माना जाएगा कि बताइए इसमें क्या चीजें इंक्लूड है, क्या चीजें इंक्लूड नहीं है, कब लिखेंगे कब नहीं लिखेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट को पढ़ लेते हैं सर। थ्योरेटिकल पॉइंट में अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिव क्या है रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन देखा जाए ना, तो क्वेश्चन में मैं बड़ी बेसिक सी चीज बताऊं ना, ये पता है क्या बोल रहा है भाई, प्रॉफिट कमाओगे क्यों, तुम क्यों प्रॉफिट कमाना चाहते हो बताओ, क्यों कमाओगे प्रॉफिट। तो भाई सीधी सी बात है भाई, जिंदगी में बहुत सारी जरूरतें हैं और काम ही इसलिए कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। तो कहता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इनकम मेजरमेंट, क्या ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस मैनेजमेंट। तो देखो यहाँ पे इनकम अलग चीज है एंड रेवेन्यू अलग चीज। रेवेन्यू एज अ एक तरीके से सेल्स होता है, और इनकम तो नेट में जो इधर उधर से कमाई हो जाता है। तो एक क्वेश्चन है, कहता है कि परफॉर्मेंस ऑफ इवेल्युएशन, इवेल्युएटिंग टोटल परफॉर्मेंस, मतलब हम इसलिए मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट का मतलब इनकम निकालना, निकालना इसलिए इनकम निकाला जाता है ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर पाए कि हम काम अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं का क्या मतलब है सर, ताकि हमें पता चल जाए कि, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे बिजनेस का प्रोग्रेस क्या है। क्योंकि मैं पूछूं कि भैया काम काम वाम ठीक चल रहा है ना, आपने एक दुकान खोली, और मैं पूछूं आपसे आपका काम वाम सब ठीक चल रहा है, तो आप कैसे बताओगे। आप बताओगे अपने इनकम को देख के, पिछली बार की कमाई मेरी 5 थी, इस बार की कमाई मेरी 7 लाख है, तो बोला बढ़िया चल रहा है, पिछली बार से तो बढ़िया है। कैसे बताया, इनकम को देख के तो बताया आपने, ठीक है। दूसरा कहता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन फैसला, जब प्रॉफिट होगा तो आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लोगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, कैलकुलेटिंग रिटर्न इन्वेस्टमेंट, मतलब व्यापार में और पैसा लगाओ या ना लगाओ, आपको पता चला लॉस हो रहा है और बिजनेस में पैसा लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, तो उसका कोई फायदा। तो एक तो ये पर्पस ऑब्जेक्टिव होते हैं। तीसरा आपका डिटरमाइनिंग द टैक्स लाइबिलिटी, अब भैया आप टैक्स भरोगे प्रॉफिट पे ही ना, आपको प्रॉफिट ही नहीं निकाल पाओगे तो कब। तो एक तरीके से मैं बोलूँ ना, तो ये है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग,
सिंपल सी बात करूं, एक क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द एडवांटेज, तो ये लिख दो या वो लिख दो। वहां भी बोलता है टू कैलकुलेट प्रॉफिट, टू बिजनेस के पोजीशन को पता करने के लिए, टैक्स लाइबिलिटी को जानने के लिए, लोन लेने में बेनिफिशियल मिलता है, तो सारे पॉइंट्स वही हैं लगभग। कहता है डिविडेंड डिसीजन के लिए, सर डिविडेंड आपका प्रॉफिट होगा तभी फैसला ले पाओगे कि कितना डिविडेंड आपको देना है। असिस्ट इन द मीटिंग सीएसआर एक्टिविटी, सर सीएसआर क्या होता है? आपका आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट ये कहती है कि आप जो इतना पैसा कमाते हो ना, तो इतना पैसा क्या करोगे, कंपनी आपको थोड़े पैसे लोगों के भलाई के लिए भी चंदा दो। अब जब लोगों के भलाई के लिए एक परसेंटेज फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने कि इतना तो देना ही देना पड़ेगा, नहीं तो भैया फिर आपको फिर हम सारी फैसिलिटी नहीं देंगे आपको, तो वो जो पैसा एक चंदे में दिया जाता है उसे बोला जाता है सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे आप देखो कि सारी कंपनी, जितनी भी कंपनी आप देखते हो ना, इतना उसने यहाँ दान दे दिया, इतने का यहाँ बेनिफिट दिया, लोगों को इतनी यहाँ भलाई कर दिया, उसके लिए हॉस्पिटल बना रखा है, तो जितनी बड़ी कंपनी है ना, सबने अपना स्कूल और हॉस्पिटल तो खोला हुआ है, क्योंकि वो सोचते हैं सीएसआर यानी मुझे बाहर वालों को पैसे देने से अच्छा हम ही खुद बना लेते हैं एक स्कूल और बोलते हैं कि लोगों की भलाई करनी है तो कर रहे हैं वो। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, फॉर्मुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि भैया आपको फॉर्मुलेशन, गवर्नमेंट को भी ना, आपका फॉर्मुलेशन का मतलब होता है बनाना, गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी बनाने में मदद मिल जाता है। कैसे मदद मिलता है? अगर ज्यादा इनकम जनरेट करके ज्यादा टैक्स भरोगे तो गवर्नमेंट उसी के हिसाब से तो पॉलिसी बनाएगा। अगर गवर्नमेंट को इनकम का सोर्स नजर आएगा कि भैया हम इस साल इतने करोड़ रुपए का इनकम आएगा, तो उसी के हिसाब से उसको खर्चा करके दिखाएगा, ठीक है ना। इसके बाद मीटिंग एम्प्लॉय नीड्स, मतलब भैया अपने एम्प्लॉय को तो दोगे ना बोनस वोनस, तो उसके लिए प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी, यहीं से तो दोगे आप। एक तो बेसिक सा हो गया, यानी सर अगर एडवांटेज आ जाए ना, तो आंख बंद करके ये पॉइंट लिखो, पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पे दो कहानी बन जाती है, अकाउंटिंग के एडवांटेज भी और ये भी। समझ में आई बात आपको? चलिए सर, इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड्स डिफरेंट कमर्शियल सिचुएशन। ये इंपॉर्टेंट है कि इसके क्या क्या हमारे सिचुएशन में ये लगेगा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस किस सिचुएशन में लगेगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहां से मेन पॉइंट हमारा यही पढ़ना है थ्योरी में, जिसके ऊपर से सवाल पूछा जाएगा। तो सर हम बात करें क्या क्या एप्लीकेबल होगा, तो कहता है द फॉलोइंग एग्जाम्पल सर्व हाउ द स्टैंडर्ड अप्लाइड वेरियस कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट कमर्शियल का मतलब भैया अपने बिजनेस के ही इनकम को करोगे, और बिजनेस किया जाता है ना, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो उसे कमर्शियल एक्टिविटी बोला जाता है। समझ में आई बात आपको? कहता है इसके अंदर दो पॉइंट है, कहता है सेल ऑफ गुड्स, आप जब गुड्स बेचोगे तब क्या होगा, और व्हेन गुड्स आर, नहीं पहला पॉइंट ही चल रहा है सेल ऑफ गुड्स। इसके अंदर पहला पॉइंट, व्हेन डिलीवरी इज डिले परचेज रिक्वेस्ट जनरेटेड टाइटल एक्सेप्टेड बिलिंग। इसका मतलब क्या हुआ सर? When delivery is delayed on purchase, यानी उसने purchase तो कर लिया और आप बोल रहे भैया थोड़ा रुक के आपके पास सामान आ जाएगा, यानी कहने का मतलब है कब रेवेन्यू सेल ऑफ गुड्स मानना है, इवन फिजिकली डिलीवर हैज नॉट हैपन येट, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज एज अ लॉन्ग देयर हाई लाइकहुड दैट विल बी हाउएवर रेदर देन ओनली हैविंग इंटेंशन टू बाय। मतलब सामने वाले पार्टी का इंटेंशन बाय करना है, और बाय करना अगर उसका इंटेंशन है तो आपको उसको गुड्स डिलीवर्ड हुआ या नहीं हुआ आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। समझ में आई बात आपको? कहता है कि हाउएवर रेदर देन ओनली हैविंग इंटेंशन टू बाय प्रोड्यूस द आइटम फॉर डिलीवरी द आइटम मस्ट बी रियली प्रेजेंट। आइटम होना भी चाहिए, आइडेंटिफाइड भी होना चाहिए, इंटेंटेड होना चाहिए, डिलीवर्ड टू बायर होना चाहिए, रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। मतलब बड़ी बेसिक सी बात है भैया, जब आपका डिलीवरी डिले होगा तब भी आप इसको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेना, लेकिन वो सामान आपके पास एक्चुअल में होना भी चाहिए। आपने किसी से डील कर लिया, मैं तो चांद बेचूंगा, और बोलो आएगा अभी आएगा अभी आएगा अभी आ रहे रस्ते में, ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। मतलब वो सामान एग्जिस्ट होना चाहिए आपके पास। समझ रहे हो ना बात को? चलो सर, दूसरा, व्हेन गुड्स डिलीवर्ड फ्यू कंडीशन। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इस पॉइंट्स को जितने भी आएंगे ना इसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा।
व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, अप्रूवल मतलब सामने वाला पार्टी अप्रूव्ड करेगा तभी हम उसको सेल्स मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। मैंने सामान भेज दिया भाई, देख लो पसंद आएगा रखना, नहीं तो वापसी कर देना, क्या कर सकते हैं। और ये सेम अमेज़न फ्लिपकार्ट पे यही करते हो, रिटर्न पॉलिसी क्या है, अप्रूवल बेसिस आप सामान मंगवा लेते हो, देख लेते हो पसंद आता है ठीक, नहीं तो वापस कर देते हो। तो वो जब आप अप्रूव्ड कर देते हो ना, वो 7 दिन जब बीत जाते हैं ना अमेज़न फ्लिपकार्ट वाले के, तब बोलते हैं अब ये मैं सेल्स में लिख रहा हूं। क्योंकि उसके बाद आप बोलोगे ना सर समझ में नहीं आ रहा ये सामान, तो वो बोलेंगे सर ये तो रिटर्न से ज्यादा टाइम हो गया, तो अब ये तो रिटर्न वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। समझ में आई बात आपको? तो कब होगा, व्हेन गुड्स आर गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस पे अगर हुआ तो बोला जाता है रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज, रेवेन्यू मत रिकॉग्नाइज करना अंटिल द बायर फॉर्मली एक्सेप्टेड, जब तक बायर एक्सेप्ट ना कर ले कि मैं रखूंगा इसे। द बायर हैज टेकन एक्शन इंप्लीमेंट ट्रांजेक्शन, रिजेक्शन पीरियड हैज बीन पास ऑन, एब्सेंस ऑफ रिजेक्शन पीरियड रीजनेबल अमाउंट टाइम हैज पास। मतलब बायर एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है फोन करके बोलेगा कि हाँ भाई मैं रख रहा हूं, एक सर्टेन टाइम दे दिया गया, वो टाइम अगर बीत गया तो अजम्पशन ले लिया जाएगा बायर ने अप्रूवल कर दिया है। जैसे 7 दिन डिलीवरी के बाद तक आपने कुछ नहीं बोला तो हम मान लेंगे आप तो अब रखना ही पड़ेगा आपको। समझ में? तो पहला ये है कि जब अप्रूवल बेसिस पे होगा तो जब तक बायर अप्रूव्ड ना कर दे तब तक आपको सेल्स नहीं मानना है। समझे बात आप? अगले पॉइंट पे चलते हैं सर। थोड़ा ब्लर हो गया ये, बाकी मैं हेडिंग पढ़ रहा हूं, आप सबके पास किताब होगा तो मैं हेडिंग पढ़ के समझाता जाता हूं। When goods on subject to installment basis पे, अगर आप goods को बेचते हो किस basis पे, installment basis पे, installment का मतलब किस्तों पे, तो क्या कहता है, ordinarily revenue should be recognized until after customer has accepted even installation inspection finish, मतलब जबकि subject to, sorry वहां पे मैंने इंस्टॉलेशन इंस्टॉलमेंट बोल दिया, ये इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये इंस्टॉलेशन और इंस्पेक्शन है। मतलब कई बार सामान, जैसे मैं बता रहा था कि आपका कई बार सामान ऐसे होता है, जैसे आपने कोई सामान खरीदा तो कई बार ऐसे होता है कि आपके घर पे आएगा बंदा, लगाएगा, चेक कराएगा, तब पैसे देना होता है ना। अभी कुछ अमाउंट एडवांस दे दो, या तो फिर हम, बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जिसके अंदर ऐसा होता है, घर पे आएगा और लगाएगा, चेक कराएगा, आप देखोगे हाँ ठीक ठाक चल रहा है, तो यानी घर पे आएगा इंस्टॉल करेगा वो, ठीक है, उसके बाद उसे चेक करने का मतलब इंस्पेक्ट करेगा कि भैया देख लो, चेक कर लो, चल रहा है नहीं चल रहा, टीवी की बात कर ले, एसी की बात कर ले, आपने अब ओके कर दिया, हाँ भाई तुमने सही काम किया है, अब आप पैसे दोगे, या आपने एडवांस दे रखा भी हो तो वो वैलिड नहीं है, सेल्स नहीं माना जाएगा। जब ये दोनों बातें पूरी हो जाएगी, इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन, तब जाके आप उसको सेल्स मानोगे। समझ में आई बात आपको? कोई दिक्कत है इसमें? तो ये लाइन यही कह रहा है यहाँ पे कि ऑर्डिनरली रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज अंटिल कस्टमर हैज एक्सेप्ट द डिलीवरी इवन आफ्टर द इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन फिनिश। मतलब कि अगर कस्टमर ने डिलीवरी ले भी लिया तो उसे सेल्स मत मान लेना जब तक वो इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। देयर इज अ रेयर आपका इंस्टेंस वेयर द इंस्टॉलमेंट प्रोसीजर मे बी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड एनी परमिसेबल रिकॉग्नाइज। मतलब जो मैंने बोला, थोड़ा सा ब्लर आ गया, ये फोटो सही नहीं आई, बट आपको समझ में पॉइंट आना चाहिए, आप सभी के किताब में गिवन है ये पॉइंट, आपको लिखने को आ सकता। पॉइंट क्या, बेसिकली आपके ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि मैंने एक कस्टमर को क्या करा, एक सामान बेचा है, और सामान बेचा है वो इस बात पे आधारित था कि कस्टमर क्या करेगा, इंस्टॉल इंस्पेक्शन पे करेगा, और हमने सामान भेज दिया 31 मार्च को 5 लाख रुपए का, इंस्टॉलेशन भी हो गया है, इंस्पेक्शन होना बाकी है, इंस्पेक्शन 5 अप्रैल को हुआ जाके, तो बताइए इस साल के 31 मार्च में इसको सेल मान ले या ना माने, इस तरीके से सिचुएशन होगा। समझ में आई बात आपको? तो जब तक आपको थ्योरी पार्ट नहीं पता होगा तो आप लिखोगे नहीं, तो आप बोलोगे यार घर पे भी चला गया, लग भी गया, तो मान लो सेल तो गलत हो जाएगा वो। आगे कहता है
व्हेन डिलीवरी गुड्स मेड गिविंग अ परचेज राइट ऑफ रिटर्न, कई बार होता है रिटर्न के ऊपर, जैसे अमेजोन का मैंने एग्जाम्पल लिया कि आप रिटर्न कर सकते हो, तो जब तक वो ना बोल दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या कहता है, द कंडीशन स्पेसिफिक टर्म डिटरमाइन हाउ रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज सर्टेन केसेस अकॉर्डिंग टू पीरियड एक्सपीरियंस मे बी रीजनेबल रिकॉग्नाइज, जब आप रीजनेबल टू द रिकॉग्नाइज सेल इन द केस रिटेल ट्रांजेक्शन दैट प्रॉमिस मनी बैक नॉट सर्टेनली सेटिस्फाई। मतलब आपने जो भी टाइम दायरा दिया ना कि रिटर्न कर सकते हो, वो टाइम निकल गया ना, जैसे कि अमेजोन वगैरह का बताया, तभी आप रिकॉर्ड करोगे टाइम बीतने के बाद का। सर लीज अकाउंट का सेकेंड पार्ट अभी अभी सेकेंड पार्ट अभी कर देंगे, बस एक जनरल एंट्री है, इसी के बाद ही खत्म करेंगे, चिंता मत करो। सेल ऑफ गुड्स ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, कंसाइनमेंट बेसिस का मतलब होता है सामान जैसे मैंने अमेरिका से मंगा लिया, अब अमेरिका से सामान आता है शिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंसाइनमेंट मतलब होता है जो रास्ते में माल आ रहा है ना उसे कंसाइनमेंट बोलते हैं। तो अब जब कंसाइनमेंट में होगा तो कब सेल मानोगे, यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, या तो उसने डिस्पैच कर दिया वहां से माल और बोला भाई तेरी जिम्मेदारी है तू मंगवा अपना जैसे भी मंगवाएगा, तो वो अगर मेरे पास माल नहीं पहुंचता तब भी वो सेल मान लेगा। दूसरा होगा कि भैया जब मेरे पास सामान आएगा मैं लिख के दे दूंगा, कंफर्म कर दूंगा कि भैया सामान आ गया है, तभी मेरा पैसे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा मैं। यानी जब तक कंसाइनमेंट का गुड्स डिलीवर्ड नहीं हो जाता कस्टमर के पास तब तक सेल नहीं मानना है। तो यही कहता है सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस पे। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज अंटिल द गुड्स सोल्ड थर्ड पार्टी, कहता है रेवेन्यू आपको शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज, मत रिकॉग्नाइज करना अंटिल द गुड्स आर सोल्ड, जब तक गुड्स को बेचा ना जाए टू द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी को बेच नहीं आ दे। अब यहाँ पे समझिएगा कंसाइनमेंट क्या होता है, एक होता है ए, एक होता है बी और एक होता है कस्टमर सी। ए होता है मालिक, जैसे मान लेते हैं कि मुंबई में बैठा हुआ है और एक दिल्ली में एजेंट बैठा हुआ है, बेसिकली एजेंट, इसने इसको सामान दे दिया। मान लेते हैं मुझे एक मोबाइल फोन बेचना है और मैं मुंबई में तो बेच रहा हूँ, मेरा है दुकान, अब दिल्ली में मेरी दुकान है नहीं, मैंने दिल्ली में किसी डीलर को पकड़ा, मैंने बोला कि भाई तू मेरा मोबाइल बेचेगा तेरे को कमीशन देंगे, उसने बोला हाँ, तो मैंने माल कहाँ भेज दिया, बी के पास। अब बी किसको बेचेगा, कस्टमर को। तो अगर मैंने बी को सामान दिया एज अ कंसाइनमेंट तो सेल मत मान लेना, बी तो बोलेगा यार पता नहीं घटिया माल भेज दिया, बिकी नहीं रहा, ले जा अपना माल उठा के, तो सेल थोड़ी ना हुआ। जब तक ये थर्ड पार्टी को ना बेच दे, ये थर्ड पार्टी हो गए ना, एक दो तीन पार्टी हो गए ना, वही बात यहां कह रहा है, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज अंटिल द गुड्स आर सोल्ड टू द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन, कस्टमर को, जब तक बेच नहीं दिया जाता तब तक रेवेन्यू नहीं मानना है, ठीक है। कहता है कैश ऑन डिलीवरी सेल्स, कैश ऑन डिलीवरी सेल्स का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज अंटिल कैश रिसीव बाय द सेलर, जब तक आपको आपने भेज दिया, कुरियर कर दिया, भाई कैश ऑन डिलीवरी है, उसने पैक वैक करके भेज दिया, अब पता चला भाई कुरियर वाला ले गया, आप खुश हो जाओ, हाँ माल बिक गया और लिख लो सेल, पता चला वहां पे जब गया कैश ऑन डिलीवरी उसने बोला मेरे को नहीं चाहिए माल, मैं पैसे नहीं दूंगा, तो आपका सेल तो हुआ नहीं, तो आपने पहले गलती कर दी। इसका मतलब ये सारे जो पॉइंट्स कर रहे हैं ना, ये बता रहे हैं सेल इस टाइम मत लिख लेना, बाकी टाइम पे तो लिखते ही लिखते हैं, तो कैश ऑन डिलीवरी पे हो तो सेल डिलीवरी भेजते टाइम पे मत लिखना, जब तक कैश रिसीव नहीं हो जाता तब तक सेल्स नहीं मान लेना। कहता है सेल्स ट्रांजेक्शन व्हेन वेंडर डिलीवर द आइटम ओनली आफ्टर रिसीविंग द फुल पेमेंट फ्रॉम द बायर आफ्टर, कई ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं कि एडवांस दे दो बाकी बाद में दे देना, और आप एडवांस हमेशा क्या देते हो, बहुत कम देते हो, आपने एडवांस दे दिया बाकी बाद में दे देना, बाकी बाद में बोला मेरा मन नहीं है लेने का, आपका मान लेते हैं आप टीवी वगैरह लेने गए, 1 लाख रुपए का टीवी है, दुकान पे गए आपने बोला पसंद आया, तो सेल्समैन बड़े बड़े चालाक होते हैं, बोलते सर कल रेट बढ़ सकता है कुछ पता नहीं है, तो एक काम करो ना थोड़ा सा एडवांस दे दो, जो भी है आपके मन में 1,500 रुपए जो भी दे दो, आपको बुकिंग हो जाएगी इससे। अब आपने 500 रुपए दे दिया, अब वो सोच रहा है सेल्समैन आए चाहे ना आए, अब ये 500 रुपए लेने तो आएगा नहीं, अब तब तक मैं सेल 1 लाख रुपए की टीवी नहीं मानूंगा जब तक कि बाकी के पैसे नहीं आ जाते।
अगर मैं आज ही सेल मान लूं कि एडवांस तो आ गए हैं, चलो सेल में रिकॉर्ड कर दो, पता चला 500 रुपए की चीज ही बेची हमने, 500 रुपए आए हैं कैश, और मैं दिखा रहा हूँ 1 लाख रुपए का सेल, और यहाँ पता चल रहा है 99,500 रुपए का, तो नुकसान आ रहा है यहाँ पे मेरा 99,500 रुपए का, ठीक है। तो सेल्स ट्रांजेक्शन वेन वेंडर, अगला पॉइंट क्या है, वेन गुड्स स्टॉक स्टिल मैन्युफैक्चर एंड टू बी डिलीवरी टू कस्टमर थर्ड पार्टी गुड्स प्रेजेंटली हेल्ड, मतलब जब तक आपके पास स्टॉक नहीं है आप उसे सेल नहीं मान सकते। और क्या कहता है सर, यानी आपको इतनी बातों से थोड़ा थोड़ा आइडिया जरूर लग जाएगा कि कब क्या करना है। सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस बनेंगे इस पे प्रैक्टिकल, थियोरिटिकल नहीं आएगा कि कब रिकॉर्ड करना है, इस पे केस स्टडी आ जाएगा आपका। जैसे बोल दिया जाएगा, सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बोला कि जब तक फुल पेमेंट ना रिसीव करते, मैं बोल दूंगा एक्स है, मिस्टर एक्स ने गुड्स सोल्ड किया वाई से और उससे 20,000 रुपये रिसीव कर लिया एज अ टोकन मनी या एज अ एडवांस मनी ऑन 30 मार्च को, और बाकी का बैलेंस पेमेंट उसने रिसीव किया 5 अप्रैल को। तो बताइए इसको रेवेन्यू रिकॉग्निशन कब करेंगे, मार्च वाले साल में करेंगे या अगले साल में जाएंगे? तो अब पता है तब बोल रहे हो ना। अगर नहीं पता होगा ये थ्योरी तो आप बोलोगे पैसे तो आ ही गए, सेल तो हो ही गया, इसी में मान लो। क्योंकि एक तो बात ये कॉन्सेप्ट होता है, पैसे मिले चाहे ना मिले सेल्स मान लो, लेकिन उसके अंदर भी एक्सेप्शन केस आ जाता है, भैया इसके अंदर ऐसे ऐसे सिचुएशन हो तो तब कब सेल मानना है आपको, ठीक है ना। एक कहता है इन केस ऑफ एग्रीमेंट सेल्स परचेज, एग्रीमेंट सेल्स एंड परचेज विच सेलर करंटली एग्रीड टू बाय प्रोडक्ट बैक ऑफ द बायर लेटर आइटम, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि एग्रीमेंट हो जाता है सेल का एंड परचेज का, मतलब कि आपको हम बेच रहे हैं, खरीदिए और हम इसको वापस भी लेंगे। फ्लिपकार्ट ने एक ऐसा ऑफर चलाया था, फोन खरीदो और फोन पता है उसके 1 साल बाद बेचोगे तो हम इसे 30-70% पे वापस ही खरीद लेंगे, ऐसा ऑफर आया था एक बार। एक्सचेंज नहीं, इसको हम ही खरीद लेंगे, कोई एक्सचेंज नहीं, आपको इतने पैसे दे देंगे, मतलब अभी आपको इतने ही पैसे देने हैं इसने। तो कई सेलर ऐसा कहते हैं कि भैया ये सामान हम आपको बेच रहे हैं और आप मुझे ही वापस बेचना है इसे, तो इसे एग्रीमेंट बोल देते हैं। ये सारा का सारा जैसे कि किसमें था हमारा लीज वाला पॉइंट याद आ रहा होगा, थोड़ा लीज में, इसमें लीज भी इसमें कवर नहीं होता, ध्यान रखना लीज भी इसमें कवर नहीं क्योंकि उसके लिए अलग से है। तो अगर बोलता है मैं वापस ही खरीद लूंगा तो ऐसे सिचुएशन में उसे भी आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन मत मानना। ये तो लीज वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि मैंने आपको सामान बेचा फिर आपको वापस ले लिया कुछ इस टाइप से, तो इसे भी नहीं मानना है। कहता है इज दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल एग्रीमेंट द रिजल्टिंग द कैश इनफ्लो नॉट रेवेन्यू शुड बी नॉट रिकॉग्नाइज, बस वही बात बोल दी उसने। रेवेन्यू इसको नहीं मानेंगे, इसका ट्रीटमेंट होगा लीज के हिसाब से, ये AS 19 बताएगा इसको कैसे करना है, नहीं मानेंगे क्योंकि वापस ही हो रहा, सेल तो हुआ ही नहीं ना। फिर इसको हम अदर इनकम मान के एज ए इंटरेस्ट, वो डिपेंड करेगा AS 19 क्या कहता है। व्हेन गुड्स आर सोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन डीलर अदर रीसेल द इंटरमीडिएट पार्टी, जब हमने गुड्स को बेचा है सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, बड़े व्यापारी, जैसे मैन्युफैक्चरर होता है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसको भेजा है या डीलर को बेचा है अदर फॉर सेल, मतलब दूसरे को बेचने के लिए। मैं डिस्ट्रीब्यूटर को दूंगा तो ऐसे थोड़ी बोलूंगा तुम ही इसे यूज करना, वो आगे बेचेगा कस्टमर पे लास्ट में जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब जनरल रेवेन्यू फ्रॉम सच सेल कैन बी रिकॉग्नाइज इफ मेजर रिस्क एंड ऑनरशिप हैज बीन पास, जब पास हो जाता है। और जनरली जब आप काम करोगे ना, तो आप अगर डीलर हो ना तो आप उससे माल सारा उधार पे लेते हो, और वहां पे ऑनर से बात रहती है कि भैया सामान नहीं बिका तो बोलो को वापसी कर देना, यानी अगेन रिटर्न वाली बातचीत आ जाएगी यहाँ पे। तो आपने जब डीलर को सामान बेचा है तो रेवेन्यू मत मानना, जब तक सारा रिस्क चले ना जाए और जब तक डीलर की तरफ से ऐसा ना लगे कि हाँ भाई सब माल बिक जाएगा, ठीक है ना। तो कहता है कि इन जनरल रेवेन्यू फॉर सच सेल कैन बी रिकॉग्नाइज इफ मेजर रिस्क ऑफ ऑनरशिप हैज बिन पास, मतलब कि पास हो गया। हाउएवर इफ सम सर्कमस्टांसेस बायर मे बी फैक्ट दैट एजेंसी एंड सच केस द सेल्स शुड नॉट बी हैंडल एज अ कंसाइनमेंट सेल, वो बोल दे कि भैया हमारे बस की नहीं रही अब हम कर ही नहीं पाएंगे, तो ऐसे सिचुएशन में छोड़ देंगे उसको, नहीं लिखेंगे सेल्स का पार्ट। अगला है सर आपका
इंस्टॉलमेंट सेल, इंस्टॉलमेंट सेल में कहता है कि रेवेन्यू एट्रीब्यूबल, मतलब तब लिखो जब आपका सेल्स प्राइस आपका एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज, मतलब जब किस्तों पे बेचोगे तो रेवेन्यू उसी पार्ट को मानना ब्याज वाले पार्ट को छोड़ के। जैसे आपको 10,000 का सामान था और आपको मैंने बोला 5,000-5,000 रुपए की आपको 3 किस्तें देनी है, तो आप तो मुझे 15,000 दे रहे हो, तो सेल में 15 नहीं मानूंगा, उसमें से इंटरेस्ट को हटा के मानूंगा, उसमें से इंटरेस्ट को हटा के मानूंगा। समझे बात? था चलिए आगे कहता है ट्रेड डिस्काउंट, अगर ट्रेड डिस्काउंट हुआ तो उसको काटने के बाद जो है, कहता है द ट्रेड डिस्काउंट एंड वॉल्यूम ऑफ रिबेट ऑब्टेन द फॉल द अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू बिकॉज ऑफ दे आर लोअर कॉस्ट व्हेन कैलकुलेट रेवेन्यू ट्रेड डिस्काउंट वॉल्यूम रिबेट शुड बी सब्सट्रैक्ट। मतलब जब अगर डिस्काउंट पे कोई सामान बेच रहा हूँ, एमआरपी मेरा 1 लाख रुपए और 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो मैं 90,000 लिखूं या 1 लाख लिखूं? ये कहता है डिस्काउंट को क्या कर देना है, सब्सट्रैक्ट, यानी 90,000 लिखना होगा। अगर हम कोई चीज बेचते हैं डिस्काउंट पे तो सेल कितना मानोगे? 90 ही तो मानोगे आप। ऐसे तो 50% पे देखते हो कहीं ऑफर चलता है फ्लैट, तो वो सेल कितना मानते हैं? 50% को ही सेल मानते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा 100% सेल मान लें। चलिए अगला है सर रेंडरिंग ऑफ सर्विस, बी पार्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट, ए पार्ट खत्म हो गया, कुछ बातें थे। रेंडरिंग ऑफ सर्विस अगर होगा तो ट्यूशन फीस को जितना पीरियड के लिए उस पीरियड में जा रहा है उतना ही ट्यूशन फीस को कंसिडर करना है। इसके बाद इंस्टॉलेशन फी, इंस्टॉलेशन फी को कब मानना, इंस्टॉलेशन फी शुड बी ओनली द रिकॉग्नाइज रेवेन्यू आफ्टर द इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द क्लाइंट अनलेस दे आपका इंडिकेट द सेल इज प्रोडक्ट। जब तक आप इंस्टॉलमेंट, कई लोगों का काम होता है इंस्टॉलेशन कराना, तो इंस्टॉलेशन का काम है तो आप सर्विस दे रहे हो। जैसे मान लो एसी है और एसी का काम पता है कौन कर रहा है, मैं डाइकिन का एसी खरीद रहा हूँ, लेकिन इसको इंस्टॉल कराने के लिए थर्ड पार्टी ने काम ले लिया कि मैं इंस्टॉल करूंगा, तो उसके वो क्या करेगा, डाइकन कंपनी से जो सर्विस इंस्टॉलेशन करेगा वो पैसे लेगा। तो मैंने एसी इंस्टॉल करवाया, इंस्टॉल करवाने के बाद एसी मैंने खरीद लिया और कंपनी ने उसको असाइन भी कर दिया कि भाई एक काम कर तू इंस्टॉलेशन करा ले, वो बोलेगा हाँ इंस्टॉलेशन हो गया, एक तो पैसे का हो गया इंतजाम, लेकिन मैंने बोला भैया मैं इंस्टॉलेशन वगैरह अभी नहीं कराऊंगा, अगले साल कराऊंगा, पड़ा रहने दो, तो उसे रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज करना होगा इंस्टॉलेशन डिपार्टमेंट जो है, जो इंस्टॉलेशन वाला थर्ड पार्टी हो, तब करना है जब मैं इंस्टॉलेशन वो कर देगा और मैं यहां अप्रूव्ड कर दूंगा ओके, तब जाके वो मानेगा कि उसके पास पैसा आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है सर, इसके बाद कुछ एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है? इसके बाद एक पॉइंट है एडमिशन फी। एडमिशन फी क्या होता है? आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस ऑफ बैंकेट, जैसे बैंकेट वगैरह हो गया आपका, या अदर स्पेशल इवेंट के लिए हो गया, रिकॉग्नाइज हो गया, कैटरिंग का हो गया आपका, व्हेन दस आपका सब्सक्रिप्शन सेवरल इक्विपमेंट परचेज फीस शुड बी इवनली सिस्टमेटिकली एट्रीब्यूट अमंग। कहता है कि एडमिशन फीस अगर लेते हो ना, जैसे बैंकेट हॉल वाले ले लेते हैं अपने पार्टी, वो भी आपका किसका पार्ट माना जाएगा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का पार्ट माना जाएगा। मेंबरशिप फीस द टाइप ऑफ सर्विस बींग ऑफर टू द डिटरमाइन सो मच रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज वेरियंस सोर्सेस, यानी मेंबरशिप फीस हो चाहे इंटरेस्ट हो, ये भी इनकम का पार्ट माना जाएगा। एडवर्टीजमेंट एंड एजेंसी का कमीशन है वो भी रेवेन्यू का पार्ट माना जाएगा। फाइनेंस सर्विस कमीशन है ये भी रेवेन्यू का पार्ट, मतलब ये सारी बातें बता दी गई है कि किसको रेवेन्यू का पार्ट मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे। ठीक है यहाँ तक क्लियर है? अब एक कुछ एक सवाल है इसके ऊपर, जैसे कि ये, हाँ बताइए कौन सा बैग? वो इंस्टॉलमेंट वाला, सॉरी इंस्टॉलेशन वाला मान लेते हैं, इंस्टॉलेशन का देखो पूछ रहे हैं, इंस्टॉलेशन वाला बता दो। चलो बता देते हैं, जैसे मान लो मैं हूं ये ए और मैंने एसी खरीदा है, मान लेते हैं कि किससे खरीदा, मैंने एलजी से खरीदा, तो एसी इस एसी जो खरीदा एलजी, एलजी ने बोला कि आपका ना फ्री में इंस्टॉलेशन हो जाएगा, तो भाई एसी फ्री में कहाँ से करेगा, उसके पास भी तो लेबर होगा। एसी एलजी ने क्या कर रखा है, एक मान लेते हैं पीजी कंपनी है जिसका काम ही एसी इंस्टॉलेशन कराना है, इसको पकड़ लिया, जैसे ही एसी मेरे घर पे आया तो अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं किस दिन इस इंस्टॉलेशन वाले को बुलाऊंगा, लेकिन जैसे ही एलजी कंपनी एसी बेचेगा फट से इसको मैसेज दे देगा कि एक एसी गया वहां तुझे इंस्टॉल करना है, क्योंकि क्या बोलते हैं कंपनी वाले डायरेक्ट आ जाएंगे, कुछ जानकारी दोगे तभी तो।
तो इस कंपनी वाले ने इसको दे दिया, तो इसके लिए जो भी इंस्टॉलेशन करेगा पर इंस्टॉलेशन पे एलजी कंपनी इसको कुछ पैसा देगा, जो कि इस कंपनी के लिए क्या माना जाएगा, रेवेन्यू। अब एसी एलजी कंपनी ने बोला जा वहां इंस्टॉलेशन करा ले, तेरे को पेमेंट मिल जाएगा। अब पता चला मैं यहाँ पे अप्रूव्ड नहीं कर रहा बैठ के, मैं बोल रहा हूँ भाई अभी मत आ, कल मत आ, परसों मत आ, अभी नहीं आना, मैं अगले साल कराऊंगा। तो जब मैं इंस्टॉलेशन करा लूंगा और मैं अप्रूव्ड कर दूंगा मैसेज में ओके, तब एलजी कंपनी इसको देगा इसका सर्विस का पैसा, यानी मेरे ओके होने के बाद इसका रेवेन्यू डिसाइड होगा, ये बताया गया। ठीक है, चलिए तब तक नहीं कर सकता, कहाँ करेगा, मैं मना कर दूं, मैं बोलूंगा मैं तो अपने आप ही एसी लगाऊंगा, जा उसका तो खर्चा है ना, एसी तो बिक गया, अब इंस्टॉलेशन वाले की इनकम की बात चल रही है बस। अब देखो यहां पे क्या कहता है, एक्स रिसेंटली अमाउंट ऑफ प्राइस रिवीजन गारंट ग्रांट बाय द गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट ने बोला कि भैया तुम्हें अपने प्राइस, हिमाचल प्रदेश सरकार ने बोला कि 1 जुलाई 2021 से द कंपनी एक्सपेक्टेड रिसीव 40,000 फ्रॉम कस्टमर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल। मतलब उसने क्या करा, हिमाचल प्रदेश में कोई उसने अपना सेल्स बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस ही बढ़ा दिया। कब बढ़ाया इसने, जुलाई में, जुलाई कब, 2021 यानी 21-22 में। सजेस्ट एक्स लिमिटेड अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च, क्या करेगा। तो कहता है अकॉर्डिंग टू AS 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन पोस्टपोन्ड टू द एक्सटेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब कहा गया कि आप ऐसा जब हो जाए ना गवर्नमेंट का अप्रूवल, जहां अनसर्टेनिटी आ जाए, तो उसको रेवेन्यू मत मानना, सर्टेन हो तब मानना, ठीक है ना। जहां अनसर्टेन, जैसे आपने किसी को सामान बेचा और लग रहा है कि ये पैसा तो वापस आएगा नहीं, तो उसको रेवेन्यू नहीं मानना है। तो कहता है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन इज पोस्टपोन्ड, मतलब आगे जा सकता है, टू द एक्सटेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब पक्का नहीं है। सरकार ने बोला भैया प्राइस बढ़ा दो, सरकार ने आपको बोला ऐसा कर दो, अब ये कस्टमर मानेगा ही नहीं मानेगा पता नहीं। इन्वॉल्व वेयर द कैपेसिटी ऑफ एसेस ऑफ इवेंट कलेक्शन विद द रीजनेबल सर्टेन एब्सेंट ऑफ द टाइम अराइजिंग क्लेम, एग्जाम्पल एक्सक्लेनेशन ऑफ द प्राइस। एक्सक्लेनेशन का मतलब होता है प्राइस को बढ़ा देना। आगे कहता है देयर इज नो डाउट अबाउट द अल्टीमेट कलेक्शन, 4 लाख इनकम ऑन द आफ्टर इस डेट के बाद हमें इनकम मिल जाएगा बिकॉज ऑफ हिमाचल गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी अप्रूव्ड, क्योंकि हिमाचल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, यहाँ पे अप्रूव्ड कर दिया है, हिमाचल गवर्नमेंट ने रिवीजन ग्रांट कर दिया है, अप्रूव्ड कर दिया है, तब तो पैसा मिल ही जाएगा अप्रूवल के केस में, तो इसलिए ये रेवेन्यू जो है इसी साल का माना जाएगा। कहता है एंड द रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट प्राइस रिवीजन रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज 21 और 22, और ये 21 और 22 के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा, यानी अप्रूवल बेसिस पे था, बेसिक लग बेसिक से क्वेश्चन को। अगला देखिए क्या कहता है, अगला कहता है कि एसआर निगम रन अ कोचिंग क्लासेस, कोचिंग क्लासेस सीए कोचिंग फाउंडेशन की दे रहा है, 7 महीने में कोर्स कंप्लीट करा देता है और 14,000 रुपए एक स्टूडेंट से लेता है एडमिशन के टाइम पे, और ही आपको 600 स्टूडेंट है, तो भैया ये 600 स्टूडेंट है, हर किसी से 14,000 लेगा, और ये जो स्टूडेंट है एडमिशन हुआ दिसंबर में, तो भैया मार्च में तो महीना ही खत्म हो जाएगा, और कोर्स कितने महीने का, 7 महीने का, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने इस बार की इनकम मानी जाएगी, और बाकी के जो बच गए हमारे कितने, 3 महीने, वो कब चला जाएगा हमारा, अगले साल में चला जाएगा। तो यू आर ऑप्शन टू रिकॉग्नाइज एसआर कब करेगा, कहता है एज पर AS 9 फ्रॉम ट्यूशन फी शुड बी रिकॉग्नाइज एज अ पीरियड इंस्टीट्यूशन लेक्चर, दिस केस पीरियड 7 मंथ का है हमारा, जो कि यहां से लेके यहां तक चलेगा, आउट ऑफ विच 4 मंथ फॉल इन द अकाउंटिंग ईयर, सिर्फ 4 महीने इस साल में आ रहे हैं और 3 महीने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के अंदर, सो दैट ट्यूशन फीस जो टोटल है वो तो इतना है, लेकिन 4 महीने का यहाँ आ जाएगा इस साल के अंदर, और बाकी का 3 महीने का चला जाएगा अगले साल के अंदर। समझ में आई बात आपको, यही आपको करके दिखाना होगा इसी तरीके से। चलिए एक और सवाल, लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन में, एम लिमिटेड सर्टेन एंड अगेंस्ट द एम लिमिटेड पेड, कहता है कि एम लिमिटेड यूज सर्टेन रिसोर्सिस, रिसोर्सिस का मतलब है कुछ चीजें यूज कर रहा है ऑफ एन लिमिटेड का, यानी एक एम एम लिमिटेड है और एक एन लिमिटेड है। मान लेते हैं एम लिमिटेड ना इसका कुछ प्रोडक्ट यूज कर रहा है, कुछ प्रोडक्ट यूज कर रहा है, कहता है 2 लाख रुपए का,
और एज इंटरेस्ट 2 लाख रुपए एज अ इंटरेस्ट और 3.5 लाख रुपए रॉयल्टी। मतलब एम लिमिटेड ने बोला, एन लिमिटेड भाई मैं तेरा नाम यूज कर रहा हूं, नाम की बात कर लेते हैं, इसने बोला कि भैया तेरे से हम लेंगे, अगर नाम यूज करेगा तो 2 लाख रुपए इंटरेस्ट ले लेंगे और 3.5 लाख रुपए एज अ रॉयल्टी ले लेंगे। कब ले लेंगे? 2021 में। स्टेट वेदर रॉयल्टी होता है हमारा, कोई काम हम करते हैं, कोई चीज करते हैं ऐसा बड़ा, तो उस काम को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर उसका नाम यूज करना चाहते हो तो उसके आगे क्या लेना पड़ेगा? आपको रॉयल्टी देना पड़ता है किसी का नाम ब्रांड को यूज करने के लिए। आप ब्रांड यूज नहीं कर सकते। हाँ क्या? हाँ एक तरीके से मान लो गुडविल है। द स्टेट वेदर द व्हाट बेसिस दिस रेवेन्यू रिकॉग्नाइज बाय, बताओ क्या एन कितना रेवेन्यू मानेगा? तो भैया पैसा तो यही ले रहा है यही। तो कहता है अकॉर्डिंग टू AS9 रिकॉग्नाइजेशन रेवेन्यू फ्रॉम द यूज ऑफ रिसोर्सेज बिलोंगिंग टू द अदर बिजनेस से हो रहा है, इंटरेस्ट रॉयल्टी शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन देयर इज नो मेजर अनसर्टेनिटी। इसमें कोई अनसर्टेनिटी तो है नहीं, पैसा मिल जाएगा। एंड रिकवर रेवेन्यू, तो कहता है कि इंटरेस्ट का जो है ना, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पोर्शन टेकिंग अमाउंट आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, इंटरेस्ट उतना पार्ट ले लो जो उस साल के अंदर फॉल कर रहे हैं, रॉयल्टी अक्रूअल बेसिस पे सारा का सारा आप ले सकते हो। यानी जब आप ऐसा कोई यूज करोगे जो कि मैंने थर्ड वाला पार्ट बताया था, तो यहाँ पे सर्टेन देखना है आपने, जो ये बताया ना पॉइंट मैंने कहाँ गए, ये वाला तीसरा, इसमें आपको देखना है अनसर्टेनिटी तो नहीं है, अगर अनसर्टेनिटी हुआ तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो बेसिक सा क्वेश्चंस पूछा जाता है इसके अंदर से आपका, आप एक बार इसको पढ़ोगे, 10 ईयर के अंदर भी दिया हुआ है, 10 ईयर से रीडिंग मार लोगे आप, पेपर कर पाओगे इसका। तो ये था हमारा पूरा AS9। इसके बाद